रात मेरे पास सारे मलाई सीसी उदावता मिलते थे। मैं उन्होंने पूछा कि किसी मनो एविडेंस दे दोगे हाथ करा, ये कह दोगे करप्शन नहीं है। चुप है मेरे पास, जब मैं उसका मंत्री जी का औदे नहीं था, ऐसे को लोग एक तो कराने के इसको लोग कराने की एक तो गुंडाता लेके आ गई सारे अफसर को चले गए। और क्या ये सिस्टम है, इन बदल के पंजाब सरकार ने कॉर्पोरेट बैंक को कामयाब करना है। ये सदा अपना बैंक है सर, तो ऐसी दूजिया के पैसे क्यों रखें? फिर अपने बैंक च रखो, अपने बैंक को कामयाब करो। मैं उन्हें दिता हुआ सर, मैं उसके मीटिंग करनी है जाके, अज ही असं ऑर्डर करा कि साडा पैसा साढ़े बैंक च रहे। ऐसी कॉर्पोरेटिव बैंक को मुरली कतार लेके आवेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम दे पंजाबी खिडारियों नु टोक्यो ओलंपिक विच शानदार प्रदर्शन लई शाबाशी दिंदिया उन्हां दी इच्छा अनुसार सरकारी नौकरी देण दा ऐलान कीता। जो बनना चाहुंदे हो बीआर जीओ, तुहाडी अपनी चॉइस है। तुसी एस बीसीएस लगणा के डीएसपी लगणा, ओह तुहाडे ते है। इन्हां दे नाम ते एक एक पंजाब दे विच 11 स्टेडियम। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खिडारियों दे नाम ते स्टेडियम बनाउण दा ऐलान भी कीता। खेडां नूं उत्साहित कर रही तुहाडी अपनी पंजाब सरकार। गुरुआं पीरां दी धरती है, शहीदां सिंघां दी धरती है, रंगले नौजवान मुटियारां दी धरती है। इस ते जिन्ना माण करी, इस दा मतलब इह है कि तुसीं बहुत सियाणे लायक पढ़े लिखे ते बाकी सारिआं नालों ज़्यादा इंटैलीजेंट हो, तां तुहानूं इह नौकरी मिली है। तुहानूं इस गल दी भी मुबारकबाद दिंदा, तुहाडे मापिआं नूं भी मुबारकबाद है जिन्हां ने तुहानूं लगन दे नाल पढ़ाया है। चंगी माँ जे ना होवे बच्चा पढ़दा ही नहीं, तां तुहानूं सवेरे ठाड़ना रात तक जगाना। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਢੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਚਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇੜਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਅੱਛੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੇ।
इस लिए सब तो ज्यादा साड़ी सरकार का जिहड़ा अपनी सरकार का पंजाब का जिहड़ा होना चाहिए ध्यान वो पढ़ाई और सेहत वर होना चाहिए और ऐसी आने वाले समय के आने वाले दिनों के पढ़ाई के अच्छे रिफॉर्म्स अच्छी पढ़ाइया अच्छे तरीके टीचर की ट्रेनिंग ऐसी करवा जा रहे हैं क्योंकि टीचर भी कई तरह के टीचर है मनु जो टीचर ने पढ़ाया जी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं सी मैं डाउन रह गया टीचर पर बहुत डिपेंड करता माँ तो बाद सब कुछ टीचर ने करना है जो अच्छा टीचर मिल गया तो जिंदगी तर जाती हूँ भी कई टीचर के ऐसे फार्मूले होंगे जेडे वो फार्मूले दूसरे को नहीं है पढ़ाने का तरीके से बड़ा डिपेंड करता एक टीचर आके पढ़ा लग गया बोर हो जाते एक बच्चे नाल लेके चलता है तो उन्होंने सही तरीके की पढ़ाई देता है सो बैंक जाना लोन लेने वास्ते तो उत्थे मैनेजर क्लर्क कई बैंक के यह जो लोन क्लर्क होंगे या मैनेजर होंगे बंदे वाल देखी जाते भी ये कुछ साडे वाल गल करता साडे वाली ये गल्लां दा तुसीं ध्यान देना गरीब ने मझ लेनी है रुपया देना 30,000 उहदे विचों 10% रख लेना मैनेजर ने यार क्लर्क ने गरीब क्या करे किसी ने टैक्सी पाउणी है उहदे जो पैसे रख लेणगे हर बैंक इस तरह है कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसे चंगे बंदे नहीं है पुलिस में बहुत चंगे बंदे हैं तहसीलों में चंगे अफसर है टीचर बहुत अच्छे है जिहड़े नए तरीके पढ़ाते हालांकि टीचर के करप्शन वाली कोई गल नहीं होती लेकिन बैंकों में भी सारे बंदे चंगे नहीं इस सिस्टम थानू ठीक करना पड़ेगा तुसी अज नौकरी मिली है तुहानू बिना पैसों के नौकरी मिली है तुसी क्रांतिकारी सोच नाल आओ कि असी आने वाले समय के निजाम नू बदलना एक सिस्टम नू बदलना क्यों लोग बाहरले देशों जा रहे सिर्फ इस करके जा रहे हैं कि इत्थे सिस्टम सही नहीं इत्थे चौक ते बिना मतलब के रोक के पैसे ले लेंगे ये सारा सिस्टम सही करना पड़ेगा तुहानू जिथे तुसी बैठे हो जिस कैपैसिटी के उत्थे अपने आप को सही करना पड़ेगा हर बंदा अपने आप को सही करेगा समाज ठीक हो जाए समाज के कुरीतियां कढ़निया पैणगियां जिहड़ियां ने घर करता जिहदे करके साडे तो विश्वास उठ रहा नौजवान का पंजाब के नौजवान वर्गा किते कोई नौजवान नहीं है जिथे मर्जी भेज दो उत्थे कामयाब है जिथे चले गया उत्थे सिंगार दिंदा सारा कुछ लेकिन अपने पंजाब तो विश्वास टुट रहा है क्यों टुट रहा है कि सिस्टम खराब हो गया सिस्टम दे विच कुरीतियां आ गई वो कुरीतियां नू कौन सैट करेगा आप ही करा अपने आप नू सैट करके अगे सिस्टम नू सैट करना अपना पहला पेट बढ़ना पैना फिर बाकियां दे बन होणगे 16 रुपये 16 दे घट किते नहीं सी बिकदा अज सारे दरियावां पर तुसीं जाके देखो पुलिस खड़ी करती क्योंकि एक सिस्टम सही देना है मैं एक मिशन क्लीन चलाया अज को अज पंजाब दे है ऐसी मिशन क्लीन लेके आ रहे हैं इस सिस्टम दे विच जेडियां कुरीतियां उन्हां नू साफ करना है तहसीलां जे कोई पैसा लेंदा है उन्हें फड़ना है उन्हें सीधा करना है गरीब आदमी का क्या कसूर है वो रजिस्ट्री करन जांदा है फीस डबल हो जाती है कि साढ़े विजिलेंस के रात में अफसर बुलाए थे उन्होंने सिस्टम क्या जी पहले टैलीफोन करे बंदा फिर अगर टैलीफोन पर पैसे मंगे फिर साढ़े पर रिकॉर्डिंग आएगी फिर अस रिकॉर्डिंग चैक करावे फिर रिकॉर्डिंग चैक के जो आ जाएगा भी आवाज इसी की है तो ये बंदे तो पैसे मंग रहे फिर असं कार्रवाई शुरू करा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਾਬੇ ਲਿਖਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਏ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ
सिस्टम दे विच करप्शन नू चलाउण वास्ते सिस्टम बनाया होया है। विजिलेंस वाले मैं अज पुछे यार तुसी ए दसो, रात मेरे पास सारे बुलाए सी, एसी रंधावा साहब भी उत्ते सी, मैं उन्होंने पूछा कि तुसी मैनू एफिडेविट दे दोगे, हाथ खड़ा करके कह दोगे करप्शन नहीं है? चुप है क्योंकि महीना इकट्ठा करने जाते लोग। जब मैं पेट्रोल पंप चलाता सी, वेट एंड मेजर इंस्पेक्टर वो कहता जी तुसी घट पाओ तेल चाहे वध पाओ, सानू महीने के इन्ने पैसे चाहिए। ये जरा गल है ये खत्म करनी है, सिर्फ उन्होंने महीना इसे गल च लग जाता पैसे कट्ठे करने वास्ते, बस यही 15 मिनट वास्ते उन्हें पैसे लेंदे बना के लंघ जाते। पता है मैं, अपने पिंडे से हटाई हुई गलत हूँ, कोशिश कर रहे थे कि सिस्टम सही हो जाए, गल खत्म हो। कई इंस्पैक्टर यह जी है उन्होंने टाइम महीने का बुक है, 1 मिनट का टाइम नहीं उन्होंने पास, अगले गाहक को जाना होंगे, उस तो अगले गाहक को जाना होंगे, तो वो किताबा तैयार ना करे ना करे करे करे, पैसे सही उसके पास पहुंचने चाहिए, वो महीना कट्ठा करके लग जाता होता महीना। ये सारा कुछ तुसी नौजवानों ठीक करना, तुसी क्रांतिकारी सोच लेके सरकार दे विच आए हो, तुसी जेड़े बैंक की सीट पर बैठना है, तुसी एक सोच ये लेनी है कि मैं सही पैसे दे नाल सही काम करना है, जिन्नी मैनूं तनखाह मिलती है वित्त विच अपने खर्चियां नूं सही करके मैं अपना घर का निर्वाह करना, तो जिहड़ा आ रहा मेरे पास गरीब लोग लैण उन्हूं सही लोन देना, जिहड़ा मेरे पास पैसे लेके लेण आ रहा उन्हूं सही तरीके दे नाल डील करना, उन्हूं प्यार दे नाल डील करना। दूसरे बैंक क्यों कामयाब हो रहे, रंधावा साहब ने कहा उन्होंने डीलिंग साढ़े नाल वधी है, सानूं उन्हां तों वधिया डील करना पएगा। मेरे पास जब मैं वो सीगा मंत्री सीगा आउंदे बैंक वाले, असीं तुहानूं इह करांगे जी, असीं तुहानूं वो करांगे जी, एक गुलदस्ता लेके आ गए साढ़े अफसरां कोल चले गए, उन्होंने चाह पुछ ली। ये सिस्टम है, इहनूं बदल के पंजाब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक नूं कामयाब करना है। जो साडा अपना बैंक हैगा तो असीं दूजिआं दे पैसे क्यों रखीए, फिर अपने बैंक च रखो, अपने बैंक नूं कामयाब करो। मैं हमने रंधावा साहब कैबिनेट मीटिंग करनी है जाके, असी अज ही असी ऑर्डर करांगे कि जी साडा पैसा साडे बैंक च रहे, इधर उधर ना जाए। साडा बैंक पंजाब दे विच हिंदुस्तान दे वर्ल्ड दे विच कामयाब होवे, साडे कोल इन्ना पैसा है कि असी अपने बैंक दे थ्रू रूट करांगे, साडा बैंक कामयाब हो जाएगा। सो अज कुदरती थोड़ी भी नौकरी मिल रही है, तो मैनू भी ये गल्लां दा पता लग गया कि पैसे तो साडे इधर उधर जा रहे, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक नूं मुरली कतार दे विच लेके आवांगे और अपने पैसे नूं ऐसी इहदे जरूर कर लईए। सर मैं टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड हैगा उहदे च मेरा खेड़ा है 200 करोड़ रुपये, वो साडा अपने बैंक च आ जाएगा कितने घर जाएगी। साडी यूनिवर्सिटी है जलंधर 1200 करोड़ रुपये उन्हें खत पैसे पे, लेकिन वो कोई कितने जमा कराए गए कोई कितने जमा कराए गए, उन्होंने अपने बैंक च लियावे 1200 करोड़ रुपया। सो पूरे पंजाब दे विच जिते जिते अपना पैसा पिया है असीं कोऑपरेटिव बैंक च ट्रांसफर करावे, आने वाले 10-15 दिन सारे पैसे थोड़े को आ जाएंगे। तुसीं देखो आ जाके बैंक भी उम्मीद करता, मुबारकबाद है तुहानूं, महाराज दा बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे तुसीं ऐसे तरह पढ़ते लिखते रहो, तरक्की करो, तुसीं एक दिन अगे बढ़ के अपने आप नूं होर अगे वधाओ, क्योंकि जिंदगी दे विच अपने आप नूं स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। ज्ञान की जिहड़ी कोई सीमा नहीं है, तुसीं इह नहीं है कि हुण नौकरी मिल गई तां जी बस हुण ऐसे नौकरी पर कम चलेगा, अगे वधाउणा तुसीं अपने आप नूं। जिन्हें बीए करके नौकरी ली है वो हुण एमए करे, जिन्हें एमए करके ली है वो पीएचडी की तैयारी करे। मैं एक नलैक स्टूडेंट सीगा लेकिन लगातार पढ़ी जा रहा, बीए करी है फिर एम
एमए करी है, जब मैं एमएलए बनया फिर मैं एमबीए की थी पंजाब यूनिवर्सिटी तो पीटीयू तो एमए में फिर पिछली अपनी टर्म दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी तो की थी, फिर मैं पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिता पंजाब यूनिवर्सिटी तो मैनू कई यूनिवर्सिटियां ऑनरी डिग्री देने तैयार है पीएचडी की, मैं क्या मैं लेनी नहीं पढ़ के पास करनी, मैं हम पीएचडी कर रहा तो मैं दिसंबर के अपना थीसिस जमा कराने, ये मैं तुम्हें तो दसिया है कि तुम शुरुआत की है जिंदगी की, तुम भी हूँ सौ ना जाए जाके मांसराने लगे भी अभी हम लग गए अफसर या कलर्क लग गए खत्म कर, नहीं तुम जिंदगी दे अगे बढ़ने वास्ते अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना, एक ना एक दिन आई एस भी बनोगे, कई हम बंद ऐसी साढ़े पास एप्लीकेशन आई है आई एस वास्ते नौकरी देने जो ईमानदार है जो चंगे है, तो मैं थोड़े तो भी बड़ी आसा उम्मीद है थोड़े वागू असी एक लख पंजाब के नौ नौजवान नौकरी देने वास्ते नौकरियां कटिया इतने लगातार कर रहे और मैं थोड़ा विश्वास देना चाहना पंजाब के नौजवानों के एक भी नौकरी रखा तो रखा ऑनलाइन पैसों नाल या सिफारिश नाल कोई नौकरी।